हेलो ऑल, वेलकम टू माइनी स्टोरीज फॉर यू। आज हम एक ऐसी जॉब की बात करने वाले हैं, एक नहीं इनफैक्ट 14 ऐसी जॉब्स की बात करने वाले हैं जहाँ पर नो क्वालिफिकेशन, नो एनी पर्टिकुलर क्राइटेरिया और वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हैं। मतलब बहुत सारी जॉब है मिक्स, जहाँ पर किसी में एक्सपीरियंस है तो किसी में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, किसी में ग्रेजुएशन चाहिए तो किसी में 10th पास 12th पास भी चलेंगे, किसी में स्टूडेंट्स के लिए वर्क है तो किसी में नॉन स्टूडेंट्स के लिए, एंड ऑल काइंड ऑफ वर्क लाइक टेक्निकल टीम से लेके टेली सेल्स से लेके कस्टमर केयर से लेके मैथ्स टीचर, इंग्लिश टीचर एंड सो मेनी जॉब्स, एकेडमिक राइटिंग के जॉब्स। टोटल 14 जॉब्स हैं जहाँ पर कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो जॉब आपको सही लगती है आप उसमें सिर्फ अपने डिटेल्स डालकर एंटर करके इजीली अच्छा खासा कमा सकते हो। सैलरी स्टार्ट होगी 15K, 25K से लेके, लेकिन बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड द जॉब आपको 45, 50K तक की सैलरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही जेन्यून प्लेटफॉर्म है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट प्लैनेट स्पार्क, जिसमें काफ़ी अच्छी अच्छी वैकेंसी टाइम टू टाइम आती रहती हैं, जिसमें अभी थोड़े टाइम पहले क्रिएट वर्कशीट्स की भी अपॉर्चुनिटी आई थी, जहाँ पे सिर्फ आप वर्कशीट, एक वर्कशीट 1000 रुपीज़ की क्रिएट कर रहे थे। तो इसमें जॉब्स आती रहती हैं और आज हम किसी थर्ड पार्टी से नहीं, डायरेक्ट प्लैनेट स्पार्क की वेबसाइट से अप्लाई करेंगे। एंड कैसी जॉब है, क्या है, आई विल टेल यू इन डिटेल अबाउट एवरीथिंग। आई विल टेक यू टू माई लैपटॉप स्क्रीन एंड आई विल शो यू एवरीथिंग। एंड या यहाँ पर ऐसी जॉब है जैसे कस्टमर सर्विस एसोसिएट की या सेंटर की जॉब है, वहाँ पर कोई एक्सपीरियंस ही रिक्वायर नहीं है। टेली सेल्स या बिजनेस डेवलपमेंट की एसोसिएट की ज़रूरत है, जहाँ पे 1 ईयर से लेके एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। टीचर्स की ज़रूरत है जहाँ पर 0 एक्सपीरियंस है। कुछ टीचर्स की जॉब है जहाँ पर फीमेल रिक्वायर्ड है, कुछ टीचिंग की जॉब है जहाँ पे नॉट कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सो मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटी, बम्पर जॉब अपॉर्चुनिटी है उन सबके लिए जो मुझे कमेंट में कहते हैं कि मैम ऐसी जॉब बताओ जो वर्क फ्रॉम होम करना है, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, हमें कोई नॉलेज नहीं है तो भी हम कर सकते हैं। तो ये उन सबके लिए है। एंड हाँ, मेरी जब भी आप लोग प्लेलिस्ट देखते हो सो आपका एक क्वेश्चन होता है कि मैम ये अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं है। सो मोस्टली जब क्या करोगे, आप हर साइट पे अप्लाई करके देखा करो, जहाँ पे अगर ग्रेजुएट सिंपली मेंशन है वहाँ आप अप्लाई मत करो। पर कुछ साइट्स में अब वो आपको ऑप्शन देते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टडिंग इस तरह के, तो अगर आपको लगता है तो आप उस पर करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पीपल आर बेटर देन देयर डिग्रीज, लाइक स्किल्स इतनी अच्छी होती हैं कि वो इंटरव्यू और अपने आप को प्रेजेंट करने में क्रैक कर ही लेते हैं वो पोजीशन। सो अगर आप इस लेवल के हो, आपका इस कॉन्फिडेंस है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। एंड यहाँ पे हर तरह की जॉब है, वर्क फ्रॉम जॉब है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, और बहुत ही अच्छा है प्लैनेट स्पार्क। 2016 से रनिंग है एंड ये US में बहुत सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड इनकी जो सर्विस है, ये लोग वर्ल्ड वाइड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंडिया में नहीं US में भी। सो आपको यहाँ पर इवन उन स्टूडेंट्स के लिए भी जॉब मिल जाएगी जो नाइट शिफ्ट में वर्क करना चाहते हैं, ऐसे टीचर या ऐसे कस्टमर केयर एसोसिएट या टेली सर्विस एसोसिएट जो भी। सो मैंने सारी जॉब्स आपको एक बार पूरा स्क्रीन पे दिखाया है, पूरा रिकॉर्ड किया है, आप प्लीज़ उसको एंड तक देखो और जो जॉब आपको सही लगती है आप उस पर अप्लाई करो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सारी जॉब के लिए अच्छे हो तो आप सब जॉब पे अप्लाई कर सकते हो। नेम, ईमेल, आईडी और आपका फ़ोन नंबर आपको पुटअप करना है एंड फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना है। उसके बाद आपको वेट करना होगा 1 वीक का, क्योंकि हर कंपनी 1 वीक तक का टाइम लेती है। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द वेदांतु, क्योंकि क्लास टीचर्स की अपॉर्चुनिटी अब एंड हो चुकी है एंड सबको ये मेल्स आ रहे हैं कि मोर देन आया, क्योंकि ये रेफरल प्रोग्राम सबके लिए ही था। मतलब मान लो अगर मैंने 50-60 को रेफरल करा है तो मेरी फ्रेंड्स ने भी रेफरल करे होंगे एंड जो डायरेक्ट वेदांतु से भी हायर हो रहे होंगे, सो उनके पास काफ़ी एप्लीकेशंस है, तो वो प्रोसेस अभी स्टॉप हो गए, लेकिन फ्यूचर में रेफरिंग्स आती रहती हैं। आप अगर मुझे फॉलो करते रहेंगे हर जगह और मेरे क्राइटेरिया आपने बताया आपको हर जगह आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम वगैरह सब, तो मैं आपको जरूर कन्फर्म कर दूंगी जब भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी। एंड या वॉच द वीडियो टिल एंड, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। यहाँ पर कोई ऐसा कोई आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सो डेफिनेटली आपको सिलेक्ट होने के चांसेस होंगे। आप उसका जो भी देख लीजिए रोल वगैरह सब कुछ देखकर, उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको जब ईमेल से फिर एक कंफर्मेशन आएगा, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर आपको एक इंटरव्यू का कॉल आएगा, आपसे टेस्ट भी लिया जा सकता है। एंड डोंट वरी, ये सारी जॉब्स के लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी जब आप सिलेक्ट होंगे, बस आप कॉन्फिडेंस रखिए और अच्छे से आपकी जो भी स्किल सेट के लिए आपने अप्लाई करा है उसकी बस तैयारी करिए, आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगा और बहुत बेहतरीन जॉब मिलेगा। सो डोंट वरी, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। एंड जो लोग यहाँ पे अगर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं या जिनका एक्सपीरियंस है यहाँ, जो सिलेक्ट हुए अभी रिसेंटली, वो जरूर कमेंट में बताएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। सो या वॉच द वीडियो टिल एंड एज आई एम सेइंग, एंड अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो जरूर लाइक करेगा, नहीं लगे तो बताइएगा क्यों अच्छा नहीं लगा। एंड या थैंक यू एंड वॉच द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको मैं लाइन से दिखा देती हूँ कि अगर आप planetspark.in
साइट पे जाओगे और यहाँ पे वी आर हायरिंग, यानी कि ये लोग हायर कर रहे हैं, सो आप यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट इस साइट से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई स्पेसिफाई सिटी ग्रेजुएशन या क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है, यहाँ पर बहुत सारे जॉब है जहाँ पर सब तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, ठीक है, फिर टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव, ऑनलाइन मैथ्स टीचर, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, ऑनलाइन इंग्लिश टीचर, टीचर ट्रेनर इंग्लिश में, एंड एकेडमिक ट्रेनर जो कि वो भी इंग्लिश का है, इंग्लिश टीचर का नाइट शिफ्ट है यूएसए का, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर एंड नाइट शिफ्ट वाले भी है, सेल्स इंटरव्यू एक्सपर्ट, क्योंकि ये फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत अप्लाई कर मतलब बहुत प्रोवाइड करते हैं जॉब्स एंड सर्विसेज। सो यहाँ मैथ्स टीचर और इंग्लिश टीचर की भी है, ठीक है। तो आपने जिस तरह से देखा सब तरह की जॉब है, हम सबसे पहले देखेंगे टेली सेल्स लाइन से देखते हैं, हम व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का। तो ये है लोकेशन, वर्क फ्रॉम होम, यानी कि आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम जॉब है, इसमें जरूर एक्सपीरियंस 1 to 20 ईयर्स लिखा है। हार्डकोर बीडीए रोल, हेंस द कैंडिडेट मस्ट बी गो गेटर हु इज़ रेडी टू टेक अप टफ चैलेंजेस। बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट में डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस लगेगा, यहाँ पर सेल्स की पिचर्स और कोल्ड लीड इनटू कस्टमर और पार्टनर से। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस जॉब के लिए सुटेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड हाई इंसेंटिव और अनएबिलिटी कस्टमर एक्विजिशन, कैंडिडेट मस्ट गेट ड्रिवन। सो इसके लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आई विल सजेस्ट कि सब लोग अप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो है, लेकिन आपको आइडिया है इस जॉब का, आप चाहते हैं इस जॉब में करना, तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अगर कितनी बार ऐसा होता है कि पीपल आर मोर टैलेंटेड देन देयर डिग्रीज और देयर ग्रेजुएशन डिग्रीज, राइट। सो जो जिन्हें लगता है कि स्किल्स हैं उनमें, तो डेफिनेटली उन्हें अप्लाई कर देना चाहिए। नेम, फ़ोन, ईमेल, एंड यहाँ पर लिखना चाहिए, ये है मेन मुद्दे की बात, कि वाई शुड बी वर्क विथ यू। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सा लिखना है जिससे उन्हें लगे कि हाँ हमें इस कैंडिडेट से बात करनी चाहिए, एंड देन रिज्यूम एंड सबमिट करिएगा, ठीक है। सो या दिस इज नाउ हम बात करेंगे टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव की। टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए वर्क फ्रॉम होम है, यहाँ पर हार्ड कोर सेल्स रिक्वायरमेंट, गो गेटर, सेम में सेम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना नेम, फ़ोन, ईमेल और रेज्यूमे डालना है। अब यहाँ पर दे रखा है 2 to 20 ईयर्स, लेकिन अगर आपको लोकल में भी कभी एक्सपीरियंस है, ये टेली सेल्स का क्या काम होता है, आप देखिए, आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस अगर लोकल का फेक शो कर सकते हो मोस्टली, अगर आपको इतनी कैपेबिलिटी आप में अच्छी हो कस्टमर हैंडलिंग की। क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि अगर आप बोल रहे हो कि कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो, बेसिकली प्लैनेट स्पार्क एक एजुकेशनल वेबसाइट है, ई लर्निंग वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट्स की क्या रिक्वेस्ट होगी, कोर्स को लिए कंप्लेन क्या होगी, आपको कैसे पिच करना है जब आपको उनको कन्वर्ट करवाना है, तो उसमें टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव सारी क्वेरी सॉल्व करता है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप ये कर सकते हो, बस बेसिक एक रिक्वायरमेंट जरूरी है, या एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए आपकी हिंदी या इंग्लिश में, क्योंकि बेसिकली आपको हिंदी में या इंग्लिश में बात करनी होगी, तो ये चीज़ें जरूर रिक्वायरमेंट होगी। अब कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की जो जॉब है, ठीक है, ये वाली में हर कोई अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे कुछ भी क्राइटेरिया नहीं आएंगी है। यहाँ पे ये भी चलेगा अगर आपकी हिंदी में भी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये है एक्सपीरियंस 0 to 5 ईयर्स, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की, यहाँ पर कोई फिक्स ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई अलग क्राइटेरिया नहीं चाहिए। आप सिंपल एक्सपीरियंस आपका 0 to 5 ईयर्स है, वर्क फ्रॉम होम है और जॉब टाइम फुल टाइम है। सो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। एंड की अकाउंटेबिलिटीज एंड डिलीवरल इंटरेक्ट विद कस्टमर्स, आपको कस्टमर के साथ वॉइस प्रोसेस में उनकी क्वेरी सॉल्व करना है, तो ये आना चाहिए, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। एंड क्वालिटी ऑफ वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन एक्शंस एज वेल, मतलब जो भी हो आप, मतलब बेसिकली एक टीम प्लेयर की तरह एक काम करें एक अच्छे से। एंड कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है जो कि बिल्कुल ही आपको मतलब बहुत अच्छी जॉब है, मतलब अगर आप इसे करेंगे आपको पेमेंट भी अच्छी ही मिलेगी, लाइक 15K से 25K तक तो आपको मिलती ही है इनमें, इन हैंड आपकी 25K 20K आएगी इनिशियली, बेस्ड ऑन आपके एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा मिलेगा। सो सबका तरीका वही है, नेम, ईमेल। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जो जॉब आपको लगता है कि आपके लिए सही है, कि अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं, टीच करना चाहते हो इंग्लिश, और है ना वो 2 आवर्स a day 6 days a week, आप 3 से 4 घंटे एक दिन में दे सकते हैं, तो आप इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर नाइट शिफ्ट में करना है तो आप नाइट शिफ्ट में कर सकते हैं। आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के लिए भी नाइट शिफ्ट है। सेल्स इंटरव्यू एक्सपर्ट, जो सेल्स इंटरव्यू होते हैं उनके एक्सपर्ट के लिए भी, ये भी 0 to 7 ईयर्स है। तो यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी कि 15 वीडियो बेस्ड इंटरव्यू डेली फॉर सेल्स एसोसिएट, ठीक है।
इंटरव्यू आर वीडियो बेस्ड इंटरव्यू, सो इंटरव्यू जो वीडियो बेस्ड है उस पर आपको जज करना है, 100+ सेल्स एसोसिएट इन ए मंथ हायर करने हैं इन लोगों को। तो कैंडिडेट शुड हैव सेल इंटरव्यू और हायरिंग एक्सपीरियंस, अगर आपके पास ये होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे 5 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ जॉब तो बहुत इंटरेस्टिंग है सब तरह की, यहाँ पे मतलब एक्सपीरियंस वाली भी मिलेंगी, जीरो एक्सपीरियंस वाली भी मिलेंगी, सब तरह की जॉब मिलेंगी आपको, जो जॉब ट्राई करना आप कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश टीचर बनना है आपको तो 0 to 20 ईयर्स का यहाँ पर लिखा हुआ है कि इतना भी एक्सपीरियंस अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती है इंग्लिश टीचर के लिए, ठीक है। गुड़गांव बेस्ड कैंडिडेट्स, लेकिन लोकेशन वर्क फ्रॉम होम तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आपको इंग्लिश पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, तो ये फीमेल्स के लिए, बेसिकली ये फीमेल्स के लिए, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्रोसीजर वही है, नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड देन योर रिज्यूमे। अब जैसे कि ये वाला देख सकते हो आप, ये है मैथ्स टीचर के लिए, ठीक है। सो मैथ्स का 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस हर कोई लिख सकता है, अगर आपको पढ़ाना है तो आपको आता ही होगा, लोकल में आप बता सकते हो। तो इंग्लिश मैथ्स फ्रॉम योर होम, तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा है, मतलब पहली इनकी प्रोसेस ही होती है आपका रिज्यूमे देके आपको शॉर्टलिस्ट करना, देन इंटरव्यू देना, एंड देन टेस्ट ले सकते हैं आपका, और आपको फिर हायर कर लेंगे, और ट्रेनिंग हर चीज़ के लिए प्रोवाइड होगी। तो डोंट वरी, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो मुझे आता ही नहीं है पर जीरो लिखा है मैं अप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, अगर आप सिलेक्ट हो गए, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी। सो मेक श्योर आप इसमें अप्लाई करें, आप मेरी बात मानिए, आप पूरा टाइम निकाल के बैठिए, ठीक है, एंड सारी जॉब्स पर अप्लाई करो अगर आपको लगता है कि यू कैन डू इट, और जहाँ पे ज़ीरो एक्सपीरियंस है वहाँ पे आप, जिनको बिल्कुल ही 12th के बाद, मतलब 12th पास हैं या 10th पास हैं या जो अंडर ग्रेजुएट हैं, वो तो बिल्कुल अप्लाई कर दें, एंड जहाँ एक्सपीरियंस है वहाँ पे ग्रेजुएट्स भी सोच सकते हैं करने का। एंड या बहुत सी अच्छी ओपनिंग्स है, मतलब टोटल अगर हम देखी जाए यहाँ पर टोटल ओपनिंग्स अभी हाल फिलहाल में प्लैनेट स्पार्क पे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। तो 14 में से आप आधे में शॉर्टलिस्ट तो डेफिनेटली होंगे, और उसके बाद इंटरव्यू क्रिएट करके आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्लेटफॉर्म, और सबसे बड़ी बात है अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं लाइफ में तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले और उसके बेसिस पे आपको आगे की जॉब मिले। तो आप, आई विल सजेस्ट यू कि डेफिनेटली आप ट्राई करो, आपको देना करना चाहिए ये, एंड जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जो लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं पहले से, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, वो लोग भी कमेंट में बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, एंड या थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माइनी स्टोरीज फॉर यू, एंड टर्न ऑन करिएगा नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको पता चले मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। ऑल्सो यू कैन कम इन टू प्ले लिस्ट एंड यू कैन वॉच डिफरेंट प्ले लिस्ट, एंड आपको हर तरह के वीडियो मिलेंगे जो आप सर्च कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।